बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को उनके बयान पर मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने गुरुवार को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ उनका नाम लेते हुए केएल राहुल का कैच छोड़ने पर विराट कोहली पर निशाना साधा था। सुनील गावस्कर के इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने बीसीसीआई से गावस्कर को कमेंट्री पैनल से हटाने तक की मांग कर दी। गावस्कर ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर यह कमेंट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स इलेवन पंजाब के मैच के दौरान किया था। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, मिस्टर सुनील गावस्कर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका बयान काफी अप्रिय है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे बयान क्यों देते हो और एक क्रिकेटर के खेल के लिए उसकी पत्नी को जिम्मेदार क्यों ठहराते हो। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि आपने पिछले कुछ सालों से हर क्रिकेटर की पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट की है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे यकीन है कि बीती रात से मेरे पति के प्रदर्शन पर कमेंट करने के लिए आपके जहन में कई वाक्य और शब्द होंगे, या आपके शब्द केवल तभी मायने रखते हैं जब उनमें मेरा नाम आया हो। उन्होंने आगे कहा कि ये 2020 है और मेरे लिए चीज़ें अभी नहीं बदली है। कब ऐसा होगा जब मुझे क्रिकेट में घसीटना बंद किया जाएगा और इस तरह की एक तरफा टिप्पणियाँ नहीं की जाएगी। रिस्पेक्टेड सुनील गावस्कर, आप एक महान खिलाड़ी हैं जिनका नाम भद्रजनों के इस खेल में ऊंचा स्थान रखता है। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि जब आपने ऐसा कहा तो मुझे कैसा लगा। आपको बता दें, इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सभी मोर्चों पर नाकाम रहे थे। फील्डिंग के दौरान उन्होंने लोकेश राहुल के दो कैच छोड़े, राहुल ने 132 रन बना दिए। बाद में आरसीबी अकेले राहुल के बराबर भी स्कोर नहीं कर सकी। विराट की बैटिंग और कप्तानी पर भी बहुत सारे सवाल उठे। उन्होंने जोश फिलिप जैसे युवा बल्लेबाज को खुद से ऊपर से बल्लेबाजी करने भेजा, फिलिप कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद बैटिंग करने आए कोहली 5 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस खबर के बाद आपका क्या कहना है दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप ऐसे ही बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप बॉली न्यूज़ आप देखते रहे। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस जरूर करें। नमस्कार।